माई नाम इज़ ललित जैन आई एम मैथेमेटिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस इंस्टीट्यूटे टुडेज सेवंथ लेक्चर ऑफ फर्स्ट चैप्टर इन ऑफ नंबर सिस्टम इन नाइन्थ क्लास मैथेमेटिक्स आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन करेंगे या फिर जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं एन टी एस सी वगैरह में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जिनका लेवल टफ़ है वो वाले क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे किससे रिलेटेड रैशनल एंड इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं तो आज हम कुछ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ मैं आप लोगों को और उसके बाद उनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिजिट एट दंड्रेड प्लस इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ़ इज़ हमें यह बताना है कि सिक्स बाय सेवन का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन कर रहा हूं तो इसकी हंड्रेड नंबर की डिजिट कौन सी होगी ओके okay. तो सिक्स बाय सेवन एक कैसा नंबर है एक रैशनल नंबर है तो जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर मैं करूँगा तो डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म का होगा या तो टर्मिनेटिंग टाइप का या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप का तो सबसे पहले मैं सिक्स बाय सेवन का डेसिमल एक्सपेंशन स्टार्ट करूँ तो सिक्स बाय सेवन का मतलब क्या हुआ कि मुझे सिक्स को डिवाइड करना है किससे से सेवन से तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए मैंने सिक्स को डिवाइड किया सेवन से डिवाइड नहीं हो रहा था मैंने पॉइंट लगाया इसका मतलब सिक्सटी हो गया सिक्सटी को सेवन से डिवाइड करेंगे एट टाइम्स यानी फिफ्टी सिक्स रिमेनिंग इज़ फोर अगेन पॉइंट डिवाइड uh, नहीं हो रहा 40 किया फ़ाइव टाइम्स यानी कि थर्टी फाइव रिमेनिंग इज़ फाइव अगेन जीरो पुट किया फिफ्टी फिफ्टी का मतलब सेवन टाइम्स फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन में रिमेनिंग वन और वन का मतलब टेन टेन को अगर मैं सेवन से डिवाइड करूँगा तो वन टाइम सेवन रिमेनिंग थ्री थ्री का मतलब थर्टी और थर्टी को सेवन से करेंगे फोर टाइम्स यानी ट्वेंटी एट रिमेनिंग टू अगेन ट्वेंटी बनेगा और ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे सेवन से तो टू टाइम्स मतलब फोर्टीन रिमेनिंग इज़ सिक्स अगेन सिक्सटी बनेगा और सिक्सटी का मतलब क्या होगा एट टाइम्स फिफ्टी सिक्स फोर्टी फोर का मतलब फाइव यानी कि थर्टी फाइव रिमेनिंग फाइव इस तरह की प्रोसेस चलती जाएगी बार 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 तो हमने देखा कि जो हमारा कॉसेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है पॉइंट एट फाइव सेवन वन फोर टू और वापस से अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एट फाइव से वापस रिपीटेशन स्टार्ट होगा यानी एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फो टू एट फाइव सेवन वन फोर टू का बार बार रिपीटेशन होगा तो क्या मैं इसको बार लगा के लिख सकता हूँ यानी इस सिक्स बाई सेवन के डेसिमल एक्सपेंशन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ पॉइंट एट फाइव सेवन वन फोर टू के ऊपर बार तो मतलब इसका इससे मैं ये देख सकता हूँ कि आफ्टर सिक्स डिजिट्स रिपीटेशन इज रिपीट डिजिट्स इज़ रिपीटेड छः छः डिजिट्स का पेयर बनेगा छः छह डिजिट्स के बाद वापस से पैटर्न रिपीट होगा कौन सा वाला एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर और हमें कहाँ तक जाना है हंड्रेड प्लेस पर तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि छः नंबर से यहाँ तक होगा कंप्लीट सिक्स नंबर के डिजिट ये है तो जो सिक्स नंबर की क्या होगी ट्वेल्थ नंबर की होगी क्योंकि अगले पैटर्न भी तो क्या चलेगा एट फाइव सेवन वन फोर टू फिर एट फाइव सेवन वन फोर टू यानी जो सिक्स के मल्टीपल्स होंगे वो सब क्या होंगे टू 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 यानी नंबर डिजिट नंबर नंबर डिजिट, डिजिट तक? 100 से जस्ट छोटा 6 का टू है, 96. है तो अगेन नाइनटी सेवन पर एट होगा नाइनटी एट पर फाइव होगा नाइनटी नाइन पर सेवन होगा और वन कहां पर आएगा हंड्रेड नंबर पर मैंने आपसे क्या बोला नाइनटी सिक्स पर कौन आ रहा है 2 तो 97 पर कौन होगा वापस से रिपीटेशन स्टार्ट होगा तो 8 98 पर कौन होगा 5 99 पर कौन आएगा 7 और 100 नंबर पर कौन आएगा 1 हमें कौन से नंबर का चाहिए था 100 नंबर का तो 100 नंबर का जो डिजिट होगा वो कितना होगा 1 अगर मैं आपसे पूछता कि 200 नंबर का कौन सा होगा तो 200 के लिए हम क्या करते हैं सिक्स सिक्स के मल्टीपल बनाते हैं तो जो सबसे लार्जेस्ट लेस देन 200 होता है वो 198 नाइन एट होता नाइन्टी एट का टू ही बनेगा अगेन 199 और 200 तो 200 कौन सा हो जाता फाइव अगर मैं आपसे बोलता 300 वाला डिजिट कौन सा होगा तो 300 हंड्रेड इज सिक्स का मल्टीपल है यानी कि वो कितना होगा टू तो हम ऐसे इस तरह से डिजिट्स को निकाल सकते हैं कि कौन कौन से नंबर पर आएगा इन रैशनल नंबर सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने पे Second question is When the repeating decimal point four five four five four five up to infinite is written in simplest फ्रैक्शनल फॉर्म देन फाइंड दी समूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब एक आपको नंबर दिया हुआ है पॉइंट फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें सिंपलेट फ्रैक्शनल पार्ट मतलब पी वाई क्यू की फॉर्म में तो जो सिम्पलेस फॉर्म होगा मतलब आफ्टर जो सब कुछ कटने के बाद जो पीवाई क्यू बचेगा उसके डिन्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना होगा तो हमारे पास गिवन नंबर क्या होता है पॉइंट फोर फाइव फोर फाइव मतलब इस पॉइंट फोर फाइव के ऊपर मैं क्या लगा दूँ बार लगा सकता हूँ फोर फाइव बार बार रिपीट हो रहा है तो जो रिकरिंग टाइप के डेसिमल्स होते थे उनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे मैंने आपको बताया था एज इट इज नंबर विदाउट डेसिमल माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर आफ्टर डेसिमल विदाउट डेसिमल नॉन रिपीटिंग नंबर कुछ है ही नहीं तो जीरो और जितने डिजिट रिपीट हो रहा है उतने नाइन लगाने और आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे उतने जीरो लगाने तो जीरो लगाने की जरूरत है नहीं यानी फोर्टी फाइव बाय नाइन्टी नाइन ये थ्री से कट हो रहा है थ्री से कट होने के बाद ये फिफ्टीन दे देगा और ये थर्टी थ्री दे, दे देगा अगेन ये थ्री से कट हो रहा है मतलब फाइव बाय अलेवन हमसे पूछा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा फाइव प्लस इलेवन यानी कि सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इफ अंडर रूट नाइन फाइव फोर प्लस Under root, under root 484 plus root 704 plus 625 upon 0 0.00155 equals to point zero 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 four upon 0 0.009 square into x. एंड फाइंड करना है आपको एक्स की वैल्यू ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन के थ्रू आपको एक्स के वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना चाहिए हमें एल और दोनों आर पार्ट को एक साथ सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम इनर अंडर रूट से सॉल्व करेंगे तो रूट सिक्स ट्वेंटी फाइव की वैल्यू कितनी होती है ट्वेंटी फाइव तो ये ट्वेंटी फाइव किसके साथ ऐड होगा सेवन जीरो फोर के साथ मुझे पता है रूट सिक्स ट्वेंटी फाइव कितना होता है ट्वेंटी फाइव तो मैंने क्या करा इस ट्वेंटी सेवन जीरो रूट फोर एट्टी फोर और एड हो रहा है रूट फोर एट्टी फोर की वैल्यू होती है हमारी ट्वेंटी टू तो अब जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन बन रही है वो क्या बन जाएगी नाइन फाइव फोर प्लस अंडर रूट में 2 ये तो हो जाएगा 22 और यहाँ तक हम सिंपलीफाई करके कितना निकाल चुके हैं 27 अपॉन पॉइंट 0.00155 इक्वल टू अब जब अंडर रूट लगा हुआ है पॉइंट 0.0004 पर अगर सिर्फ 4 होता तो हम 2 लिखते लेकिन चार डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट है तो हमारे में कितना आ जाएगा दो डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट और 2 आएगा सही 4 के लिए ये दो बार स्क्वायर हो रहा है तो मैंने इस जीरो जीरो को क्या कर दिया दो बार मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में क्या चल रहा है अब मैं कितना सेवन यानी कि नाइन फिफ्टी फोर प्लस सेवन और इसके मैं अगर मैं पॉइंट हटाऊ ये वाला पॉइंट पांच डिजिट के बाद लगा हुआ है इसका मतलब ऊपर की तरफ टेन की पावर फाइव आ जाएगा

टेन स्क्वायर इंटू एटी वन जाएगा न्यूमरेटर में इक्वल टू एक्स अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है थर्टी वन को इससे कट करेंगे फाइव टाइम्स ऊपर टेन की पावर सेवन हो रही है और नीचे टेन की पावर कितनी है सिक्स तो यानी एक पावर बचेगी साथ में फाइव इंटू टू और एटी वन अभी भी बचा हुआ है एक्स ये किसकी वैल्यू आई है वन अपोन एक्स की फाइव इंटू टू का मतलब भी टेन होता है टेन से टेन कैंसिल तो जो एक्स आएगा वो कितना हो गया वन अपॉन एटी वन ये आपका आंसर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इफ एन इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन एन इज आपको ये दिया हुआ है कि एन जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और आपको ये बताना है कि एन के बाद जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा देखो आपका क्वेश्चन था एन इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और आपको फाइंड करना है एन से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा अब एन अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो किसी न किसी का स्क्वायर होगा यानी मैंने मान लिया एन क्या है एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो यहां से अगर मैं दोनों का अंडर रूट करता हूँ तो रूट एन इक्वल टू क्या हो गया एक्स अब मुझे एक बार बताओ ये एक्स का स्क्वायर था एन तो x से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा x प्लस वन तो क्या मुझे x से जस्ट बड़े नंबर का स्क्वायर चाहिए मतलब मुझे इस x प्लस वन का क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए और x प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी के स्क्वायर से अगर मैं ओपन करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी n x की वैल्यू थी हमारी रूट एन यानी कि जो x प्लस वन का स्क्वायर होगा वो क्या होगा एन प्लस टू रूट एन प्लस वन मतलब जो हमारा नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो क्या आएगा एन प्लस टू रूट एन प्लस वन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सिंप्लीफाई आपको एक लंबा सा एक्सप्रेशन मिलेगा और उसको सिंप्लीफाई करना है और वो एक्सप्रेशन ये है वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री अप टू वन अपॉन

ये आपको एक लंबा सा एक्सप्रेशन दिया और इसको सिंप्लीफाई करके बिल्कुल सिंप्लीफाई वैल्यू निकाल रहे अब मुझे एक चीज बताओ इतनी बड़ी लंबी टर्म 2008 टर्म्स मैं ना तो एलसीएम ले सकता हूँ मैं ना मैं इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकता हूँ तो मैंने देखा मेरे पास चार ब्रैकेट्स थे और चारों ब्रैकेट्स में कुछ ना कुछ नंबर्स कॉमन है तो मेरा टारगेट यही है कि मैं उन कॉमन नंबर्स को फाइंड करूं कि कौन कौन से नंबर्स कॉमन है तो यहाँ पर मैंने देखा वन बाई टू से स्टार्ट होकर वन बाई टू जीरो ज़ीरो एट तक जा रहा है यहाँ वन से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन टू जीरो ज़ीरो सेवन पर ख़त्म हो रहा है यहाँ टू से वन से स्टार्ट हो होकर एट तक और यहाँ टू से लेकर सेवन तक तो मैं अगर ये देखूँ कि मेरे को चारों ब्रैकेट्स में टू से टू जीरो जीरो सेवन टू से टू जीरो जीरो सेवन टू से टू जीरो जीरो सेवन एंड टू से टू जीरो जीरो सेवन कॉमन है तो मैंने मान लिया लेट वन 2 टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू वन अपॉइंट टू जीरो जीरो सेवन इक्वल्स टू एक्स मैंने इसकी वैल्यू को क्या मान लिया एक्स अब मैंने फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर देखा वन बाय टू से वन अपॉइंट टू जीरो जीरो सेवन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी वैल्यू हो गई आपकी एक्स लेकिन साथ में कौन ऐड होगा वन अपॉइंट टू जीरो जीरो एट मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह से फॉर्म में लिख सकता हूँ इस वाले में मैंने देखा वन एक्स्ट्रा है लेकिन टू से टू जीरो, जीरो सावन है। मतलब इसके वैल्यू कितनी एक्स माइनस इधर मिलेगा वन और टू जीरो, जीरो एट दोनों को छोड़ना है बीच में एक्स हो जाएगा और जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है वो तो पूरा का पूरा ही क्या है एक्स मतलब मैंने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से फॉर्म में ब्रेक कर दिया अब सीधा सीधा मुझे मल्टीप्लाई करना है एक्स इंटू वन एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क् वन अपॉइन टू जीरो टू जीरो जीरो एट और वन अपॉन टू जीरो 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 एट इधर वाले ब्रैकेट पे आते हैं तीनों को एक्स से मल्टीप्लाई करना है वन इंटू एक्स एक्स इंटू एक्स विद नेगेटिव साइन और एक्स अपन टू जीरो जीरो एट अब मैं देखता हूँ क्या क्या कट रहा है देखिए एक्स x से एक्स x कटेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा एंड एक्संट टू जीरो एट कैंसिल सिर्फ आपको क्या मिल रहा है 1 upon 2008. तो ये आपका फाइनल आंसर देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन कितने छोटे से नंबर में आ, एक्सप्रेस हो रहा है 1 upon 2008 में Next question पर आते हैं वापस से एक लंबा सा एक्सप्रेशन है सिंपल uh, uh, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फाइंड एक्स इफ वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन एक्स प्लस हाफ प्लस वन अपॉन वन अपॉन एक्स प्लस हाफ और एज इट इज ये टर्म ये इधर भी है वन अपॉन वन अपॉन एक्स प्लस हाफ प्लस वन अपॉन वन अपॉन एक्स प्लस हाफ और ये किसके इक्वल दे रखा है एक्स अपॉन थर्टी सिक्स के ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन के अंदर वन अपॉन के स्टार्ट हो रहा है वन अपॉन वन अपॉन एक्स मतलब ये देखो इस नीचे से देखते हैं वन अपॉन एक्स प्लस हाफ वन अपॉन एक्स प्लस हाफ वन अपॉन एक्स प्लस हाफ और वन अपॉन एक्स प्लस हाफ चार बार है यहाँ पर फिर इसी टाइम को दो दो बार बोल सकता हूँ मैं फिर यही दोनों टर्म्स ऐड हो गई यानी ये पूरी की पूरी टर्म्स टू टाइम्स है मतलब एक पैटर्न चल रहा है सिमिलरिटी वाला पैटर्न चल रहा है और हमें इसकी वैल्यू देखिए एक्स अपॉन थर्टी सिक्स जहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अब मेरे को एक बार बताओ इन चारों को अलग अलग सॉल्व करने से बेटर है मैं किसी एक को सॉल्व कर लूँ क्योंकि चारों आपस में इक्वल आएंगे तो मेरा टारगेट सबसे पहले मैंने इस वाले फॉर्म को सॉल्व करना है तो क्या है ये वन अपॉन वन अपॉन एक्स प्लस हाफ अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो नीचे मुझे एल्सियम लेना पड़ेगा टू एक्स टू इधर जाएगा और एक्स इधर आएगा और टू एक्स कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स टू एक्स अपॉइन टू प्लस एक्स यानी इसकी वैल्यू भी टू एक्स अपॉइन टू प्लस एक्स इसके वैल्यू भी टू एक्स अपॉइन टू प्लस एक्स ये भी टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स और ये भी टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स तो मैंने क्या कर दिया इसकी जगह यहाँ पर पुट कर दिया क्या मिलेगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन वन अपॉन टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स साथ में टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स एज इट इज इधर की तरफ भी वही होगा टू प्लस एक्स एंडल टू एक्स अपॉन थर्टी सिक्स 36 से आता हूँ मैं इस पैटर्न पर अगर मैं किसी भी नंबर को दो बार ऐड करता हूँ तो क्या वो, टाइस हो जाता है यानी टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स को जब मैं दो बार ऐड करूँगा तो इसका डबल कर देता हूँ डबल करने पर कितना मिलेगा मुझे फोर एक्स अप वन टू प्लस एक्स भाई टू एक्स अपन टू प्लस एक्स का मुझे डबल करना है तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया साथ में वन अपॉन चल ही रहा था और एज इट इज़ मैंने इसको भी क्या कर दिया टू से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वल टू चल रहा है एक्स अप थर्टी सिक्स ये टू प्लस एक्स जाएगा ऊपर ये टू प्लस एक्स भी जाएगा ऊपर यानी कि हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा टू प्लस एक्स फोर एक्स और साथ में टू प्लस एक्स

तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा टू इन थर्टी सिक्स यानी कि 72 टू आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा टू प्लस एक्स हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी तो 72 टू माइनस टू कितना हो जाएगा सेवेंटी यानी एक्स इक्वल टू कितना आ गया 70 इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन हमने सिर्फ एक सिंपलेस्ट फॉर्म एक्स इक्वल टू सेवेंटी में कन्वर्ट कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ सिंपलेस्ट वैल्यू निकालनी है आपको वन माइनस वन अपॉन थ्री स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन फोर स्क्वायर अप टू वन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर आपको इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है अब हम इसको बार 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 तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते लेकिन हर एक ब्रैकेट को अलग अलग तो कर ही सकते हैं जैसे वन माइनस वन बाई थ्री की अगर मैं बात करूँ तो एलसीएम कितना थ्री थ्री इंटू वन थ्री और माइनस वन का होल स्क्वायर एस इट इज यहाँ पे फोर एलसीएम फोर माइनस वन का अपलेगा ये एन माइनस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर थ्री माइनस वन का मतलब टू अपॉन थ्री का स्क्वायर फोर माइनस वन का मतलब थ्री अपॉन फोर का स्क्वायर आगे क्या चलेगा प्रोडक्ट में फोर अपॉन फाइव का स्क्वायर कहाँ तक एन माइनस वन अपॉन एन के होल स्क्वायर तक तो फिर मैं देखता हूं कि ये थ्री का स्क्वायर थ्री के स्क्वायर से कैंसिल होगा फोर का स्क्वायर फोर के स्क्वायर से कैंसिल होगा फाइव स्क्वायर अगले फाइव से कैंसिल होगा एन माइनस वन स्क्वायर एन माइनस वन वाले से कैंसिल होगा सिर्फ आपके पास दो टर्म बचिएगा एक तो फर्स्ट टर्म यानी टू और एक लास्ट टर्म एन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है यानी कि आपका आंसर क्या हो गया टू अपॉन का होल स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने पे एक प्राइम नंबर का क्वेश्चन है वे इज दी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फोर्टी वन नेचुरल नंबर्स वी जो है वो फर्स्ट फोर्टी वन नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है एंड ए इक्वल्स टू वी प्लस वन आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ प्राइम्स अमंग ए प्लस वन ए प्लस टू ए प्लस थ्री अप टू ए प्लस फोर्टी देखो v आपको क्या दिया हुआ है फर्स्ट फोर्टी वन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट अगर उस v में अगर मैं प्लस वन कर रहा हूं तो आपको मिल रहा है a यानी कि ए इक्वस क्या दिया हुआ है v प्लस वन और आपको फाइंड करना है a प्लस वन ए प्लस टू ए प्लस थ्री से लेकर a प्लस फोर्टी के अंदर कितने प्राइम नंबर होंगे तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v मतलब क्या बोला उसने वन इंटू टू इंटू थ्री से लेकर कहां तक फोर्टी वन तक आपका प्रोडक्ट फिर आपको दिया हुआ है ए इक्वस टू वी प्लस वन v मतलब कितना वन इंटू टू इंटू थ्री से लेकर कहाँ तक फोर्टी वन तक था और उसमें आपको क्या ऐड करवा दिया प्लस ये हमारा a आ गया और v आ गया अब हमें ये फाइंड करना था a प्लस वन से a प्लस फोर्टी जो चालीस नंबर है उन चालीस नंबर के बीच में कितने प्राइम फर्स्ट नंबर नंबर अगर मैं a प्लस वन की बात करूँ तो a प्लस वन का मतलब मुझे a में क्या ऐड करना है वन और a की वैल्यू तो थी हमारे पास कुछ इस तरह की और इसमें प्लस वन एड करना है तो प्लस वन और वन मिलकर कितना हो जाएगा टू मैं देखता हूँ कि फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन और टू में क्या मुझे यहाँ पे टू कुछ कॉमन नज़र आ रहा है मिलेगा क्या वन इंटू थ्री इंटू फोर से कहाँ तक फोर्टी वन तक और इधर मिलेगा प्लस वन प्राइम नंबर क्या होता है जिसके कोई फैक्टर्स नहीं होते वन और एट सेल्फ के अलावा तो यहाँ पर तो मैं क्या देख रहा हूँ टू अलग नंबर आ रहा है और एक फैक्टर ये आ रहा है तो इसके तो दो फैक्टर पॉसिबल है वो भी वन और तो नंबर खुद नहीं है टू है और एक दूसरा नंबर है तो अगर किसी का टू फैक्टर आ रहा है तो क्या वो प्राइम पॉसिबल है नहीं वो कैसा नंबर होगा कंपोजिट नंबर मतलब कि ये तो प्राइम नंबर नहीं है ये नंबर तो प्राइम नहीं है कैसा नंबर है ये कंपोजिट नंबर क्या बोल सकता हूं मैं इसको कंपोजिट दूसरे पर आते हैं ए प्लस टू पर जैसे ही ए प्लस टू करूंगा ए ये रहा हमारा तो वन के साथ टू एड होके क्या दे देगा थ्री यानी कि जो एक्सप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से क्या वापस से थ्री कॉमन मिल रहा है जब थ्री कॉमन मिल रहा है मतलब इसके वापस से दो फैक्टर्स मिल रहे हैं तो ये वापस से प्राइम नहीं होके क्या होगा कंपोजिट नंबर अगर मैं ए प्लस थ्री की बात करूं तो ए प्लस थ्री के अंदर ये थ्री वन के साथ एड होके क्या दे देगा फोर और अगेन मुझे क्या हो जाएगा फोर कॉमन मिल जाएगा मतलब ये भी कैसा मिलेगा कंपोजिट अब मैं आता हूँ लास्ट वाले नंबर पर इसी तरह से चलते चलेंगे हम ए प्लस अगर मैं फोर्टी की बात करूँ तो वन इंटू टू इंटू थ्री से लेकर कहाँ तक फोर्टी वन और फोर्टी के साथ वन एड होके क्या दे देगा फोर्टी वन और इस बार मैंने देखा फोर्टी वन वापस से कॉमन आ गया तो जब कॉमन आ चुका है तो ये भी क्या होगा कंपोजिट प्राइम नहीं होगा मतलब ये जो चालीस के चालीस नंबर है वो कभी भी प्राइम पॉसिबल नहीं है यहाँ पर कितने प्राइम्स है जीरो प्राइम नंबर यहाँ पे सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर है प्राइम नंबर्स कितने जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू थर्टीन एंड ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स ए एंड बी अगर आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थर्टीन है और आपको ए और बी दोनों ने वैल्यू फाइन करनी एक्सप्रेसन था आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थर्टीन क्या मैं आइडेंटिटी के थ्रू ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूं यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई थर्टीन अब मुझे एक बार बताओ दो नेचुरल नंबर्स का सम भी नेचुरल होगा और दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस एक इंटीजर तो होगा ही सही यानी कभी भी ना तो ये दोनों नंबर पॉइंट में आ सकते हैं ना फ्रैक्शन में आ सकते हैं इसका मतलब इसी को हम इंटीजर्स की फॉर्म में ब्रेक करें तो थर्टीन को मैं एक तो थर्टीन इंटू वन लिख सकता हूँ और एक वन इंटू थर्टीन लिख सकता हूँ नेगेटिव नंबर्स पर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा तो यहाँ पर मैंने दो पार्ट किए ए प्लस बी को और ए माइनस बी को थर्टीन इंटू वन और वन इंटू थर्टीन क्योंकि थर्टीन प्राइम नंबर है और कोई फैक्टर्स इसके पॉसिबल नहीं है अब एक बार एक चीज देखते हैं ए प्लस बी बड़ा नंबर होगा ए माइनस बी से ये तो कन्फर्म है क्योंकि ए प्लस बी क्या होगा ए माइनस बी से तो बड़ा होगा क्योंकि ए एंड बी बहुत आर नेचुरल नंबर तो ए प्लस बी को मैं क्या ले लूँ थर्टीन और ए माइनस बी को मुझे क्या लेना पड़ेगा वन तो यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ ए प्लस बी इज थर्टीन एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू वन अब आपके पास दो आ, दो वेरिएबल्स और दो एक्स इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू आप आराम से सॉल्व कर सकते हो यहाँ से ए के वैल्यू क्या लिखोगे बी प्लस वन और इस ए को कहाँ पुट कर दो यहाँ पर तो आपके रिजल्टिंग uh, नंबर क्या बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू ट्वेल्व तो बी इक्वल टू सिक्स अगर बी सिक्स है तो वापस से ए कितना होगा सिक्स यानी कि सेवन तो ए तो हो गया आपका सेवन और बी कितना हो गया सिक्स देख भी सकते हो आप क्रॉस चेक करोगे सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन माइनस थर्टी सिक्स इक्वल टू थर्टीन एक और क्वेश्चन पे आते हम इफ नाइंटी सेवन बाय नाइनटीन इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड वेयर एक्स वाई एंड जेड आर हॉल आपको दिया हुआ है वैल्यू कितनी एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड और एक्स वाई जेड हॉल नंबर है मतलब फ्रैक्शन में नहीं है ना डेसिमल फॉर्म में आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइन करनी ओके स्टार्ट करते हैं

जब इसको वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो टू को कहाँ ले जाऊँ डिवाइड में टू नीचे जाएगा डिवाइड में अब वापस से वही प्रोसेस नाइनटीन को अगर मैं टू से डिवाइड करूंगा तो नाइन टाइम और रिमाइंडर कितना वन नाइनटीन को टू से डिवाइड करने पर नाइन तो कौन से रिमाइंडर वन वन अपॉन टू और इसका कंपेरिजन करवा रहा हूँ मैं किससे एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड से तो मैंने देखा एक्स की वैल्यू तो कितनी आ गई फाइव वाई की वैल्यू कितनी आ रही है नाइन और जेड की वैल्यू कितनी आ रही है टू हमसे पूछा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि फाइव प्लस नाइन प्लस टू कितना हो जाता है सिक्सटी ये आपका आंसर है ओके थैंक यू वेरी मच आज की क्लास को स्टॉप कर दें